सात अंडे, सात अंडे नहीं है, सात अंडे हैं। अंडे मैंने बॉईल कर लिए हैं, इसकी इस तरह कर लेंगे कटिंग। एक अंडा जो है ना वो आधा रह गया, थोड़े डाले, एक अंडा डाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला का बड़ा ही करम है, हम भी ठीक है। मैं बना रही हूँ साबूदाना, यहाँ सुबह सुबह का टाइम है। मैं नमाज वगैरह पढ़ने के बाद किचन में आ गई थी, क्योंकि किचन में आज काम एक्स्ट्रा करने वाला था, तो मैंने कहा पहले बना लेती हूँ साबूदाना, क्योंकि मैंने रात को नहीं बनाया था। उसके लिए मैंने लिए हैं 3 से 4 कप पानी, 1 कप साबूदाना। पानी जब बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे साबूदाना, ढक्कन दे देंगे और पकने देंगे पानी को, क्योंकि बच्चे और शफीक साहब अभी नमाज पढ़ के नहीं आए। ये मैंने इस पर ढक्कन दे दिया और ये पकना शुरू हो जाएगा पानी। एक्स्ट्रा जो करने वाले काम थे वो ये थे, ये शीशे काफ़ी देर से उतरे हुए थे और कल ये लगवा लिए हैं, इनकी करनी थी, ये सारा ना गंदा हुआ हुआ है, तो ये मैंने करनी थी सफाई। कल इस पर मैंने लगाया था सर्फ वगैरह, तो बस साफ़ नहीं किया, पता नहीं कुछ करने लग गई, बिजी थी, ये आज सारे साफ़ करने हैं। क्योंकि आज है जुम्मा तो मुबारक, और जुमे वाले दिन वैसे ही काम ज़्यादा होता है, मैंने कहा चले सुबह सुबह किचन का काम करके मैं फ्री हो जाऊँगी, बच्चों ने भी जल्दी आ जाना होता है और जुम्मे की तैयारी वगैरह। ये रफ़ कपड़े जो होते हैं लॉन के, वो मैं इस तरह नहीं पहनती, रख लेती हूँ कि ऐसी कुछ ना कुछ साफ सूफ करके ना फिर बंदा पहनता है। ये देखिए इस तरह से ना, बस ये यहाँ यहाँ हाथ लगते थे ना, वहाँ से ये लकड़ी गंदी हुई थी, मैंने कहा चलो और किचन का काम सुबह सुबह ख़त्म कर लेते हैं। अब ये वाला करती, कल मैंने इसको किया था लेकिन ऊपर कपड़ा नहीं मारा था। देखिए पानी का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, फिर हम इसमें डाल देंगे दूध। आपके पास जो भी दूध है, फ्रेश दूध, टक्के वाला, जो भी यूज़ करना चाहे वो कर लें। अब ये देखिए इसको मैं 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी, फिर इसे ढक के रख देंगे, इसका दाना जो है वो फूल जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी, शक्कर है तो शक्कर डाल लें, शक्कर ख़त्म हुई हुई इसलिए मैं चीनी यूज़ करूँगी। 4 टेबलस्पून मैंने डाल दी है, आप मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। ये पक गया, अब हम इसको
साइड पे कर देते हैं और इसको ढक के रख देते हैं। साबुदाना हमारा रेडी है, बस अब इसको ढक के साइड पे रख देते हैं। जो इसका दाना है ना, थोड़ा सा ना नरम और हो जाए, कोई मुश्किल नहीं बनाना। और चूल्हा अभी जल रहा है, हम जैसा आपको पता है रात को बॉईल किए हुए हैं, अब इनको डालेंगे कूलर में और धो के दोबारा से फिर रखेंगे पानी बॉईल होने के लिए। ये देखें जी, कूलर को अच्छी तरह धो के उसके ऊपर मैंने एक लॉन का कपड़ा था उसको डबल किया, धो के धो लिया था, साफ़ था लेकिन फिर भी धो लिया था। इस तरह से अब हम पानी डालेंगे ताकि पानी जो है वो पुना जाए। पानी बॉईल करने के बाद इसके ऊपर वाइट वाइट सा कुछ आ जाता है, इसलिए मैं इसे पुन रही हूँ। देखिए जी, थोड़ा सा काम रहता था रात को किचन का, फिर जिस जो लेट खाना खाया था वो बर्तन भी रहते थे। और ये पानी का एक देखचा बॉईल हो रहा है, दूसरा धो के भर के रख दिया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ साबुदाना। देखिए किचन में इतनी लाइट थी, मैंने लगवाई है दो लाइट्स देखे, देखे रोशन 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 किचन हो गया। इसी तरह मैंने लगाई थी इधर, ये वाली मैंने लाइट लगवाई है और ये देखें कितना रोशन हो जाता है किचन। दो हैं वैसे, एक हुड के नीचे, ये देखें कितना फर्क पड़ता है। यहाँ रखेंगे कूलर पानी वाला, ये मैंने अपने लिए प्याली निकाली है क्योंकि मुझे भूख लग गई है। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा साबुदाना हमारा बना है। मुझे तकरीबन मुझे घंटा हो गया किचन में ही, तब से मुसलसल मैं किचन में खड़ी हूँ। सबसे ज़्यादा काम जो होता है ना ये पानी वाला होता है, कूलर धोना, पानी डालना, फिर से देखिए धोने, पानी बॉयल करना। कूलर मैंने इधर एक रखा होता था पानी डाल के, तो बच्चे जब प्यास लगी हो ना कूलर में से पी लेते हैं। इसी के पानी की बाल्टी भर गई थी वो मैंने कराया। ये देखे तीन चार दिन से मैं व्लॉग इसलिए नहीं डाल रही कि ये हमारे घर के पास एक घर बन रहा है, उसका काम हो रहा था और बड़ा शोर शराबा होता है। कल जब अम्मी गई थी तो इसका लेंटर डाल रहा था ये देखे, और जाने ने की है छुट्टी, कल से इसका फर्स्ट टर्म शुरू हो रहा है और जाना कर रहा है गाड़ी साफ। और हम ऊपर देखो ये क्या कर रहे हैं, साथ मुर्गियां भी बाहर फेर रहे हैं। बस कर दो, मैं देख रही थी, मैं खुश हो रही थी।
हैं जाने। ये लें जी, अब हो रही नाश्ते की तैयारी। मैं कर रही अंडे बॉयल, अरहन चला गया नान चने लेने, क्योंकि सुबह से उसने काफ़ी काम किए हैं। नमाज पढ़ने के बाद इब्राहिम सो गया था। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। जब भी अंडे बॉयल करें उसमें नमक ज़रूर डालें, क्योंकि अंडों का छिलका अच्छी तरह उतर जाता है। और ठंडे पानी में ही अंडे बॉयल होने के लिए रखें। अगर हम पानी बॉयल करके जब पानी बॉयल हो रहा हो तो अंडे डालें, अंडे फट जाते हैं, ये मेरा तजर्बा है। और इब्राहिम सो गया था, अरहम ने गाड़ी साफ़ की, अरहम ने मस्जिद में सफाई करवाई। अब अरहम आया, कह रहा था मुझे बहुत बहुत भूख लगी हुई है। सच्ची पूछे तो भूख मुझे बहुत लगी हुई, क्योंकि मैं भी किचन में काफ़ी देर काम करती रही हूँ। मैंने तो थोड़ा सा साबुदाना खा लिया था, लेकिन अरहम ने कुछ नहीं खाया था। अब अरहम गया नान चने लेने और मैं कर रही हूँ अंडे बॉयल। ये आप अपने लिए लेके आए हो जी? जी, लस्सी बनने वाली है। लस्सी बन गई है, चाय बन गई है। 7 अंडे नहीं है, 7 अंडे हैं। अंडे मैंने बॉयल कर लिए हैं, इसकी इस तरह कर लेंगे कटिंग। एक अंडा जो है ना वो आधा रह गया। हम बने 5 अंडे को बचा गया। जल्दी डाल दो, ये देखिए मम्मी ने कितना कर डाल, थोड़े डाले, एक अंडा डाल दिए। एक आधा हो गया। ये अलग शॉप के हैं, ये अलग शॉप के हैं, ये नान है। और अब हम करेंगे नाश्ता। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा लग रहा तुम्हें ग्रे सूट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।